अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स दिस इज़ मी सोनिया और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक मोस्ट इम्पॉटेंट एम सी क्यूज़ ऑफ एडल्टेल्थ नर्सिंग चैप्टर वन सो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स के एम सी क्यूज़ को आज हम डिस्कस करेंगे सो सबसे पहले हम जी आई टी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड एम सी क्यूज़ को सोल्व करेंगे क्योंकि कभी कभार एग्जाम में इसके रिलेटेड भी एम सी क्यूज़ आ सकते हैं सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को क्वेश्चन नंबर वन इज़ विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी अब गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन सा वो लॉन्गेस्ट सेगमेंट होता है ह्यूमन बॉडी में सो सबसे पहले है पेनक्रियाटिक डक्ट अब पेनक्रियाटिक डक्ट तो नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत स्मॉल होती है देन है स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट इज ईसो फेगज तो हमें पता है कि मोस्ट जो सबसे बड़ा होता है कौन सा होता है सेगमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है सो करेक्ट ऑप्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन देन नंबर क्वेश्चन नंबर टू है द मेजोरिटी ऑफ वाटर फ्राम इन डाइजेस्टिबल फूड इज़ एब्ज़ॉर्ब इन दी अब मेजोरिटी में जो वाटर होता है अन डाइजेस्टिबल फूड्स है वो कहाँ पे रिलीज होता है कहाँ से एब्जॉर्ब होता है स्टमक पेनक्रियास या फिर फूड पाइप अब स्टमक से तो नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर अभी प्री यानी नई शुरुआत हुई है डाइजेशन की देन पेनक्रियास में तो फूड जाता ही नहीं है फ़ूड पाइप फूड पाइप में सिंपल फूड सिर्फ ट्रांसफ़र होता है उसमें एब्जॉर्ब या फिर आ, कुछ इंजाइम्स वगैरह उसका कोई भी काम इसमें नहीं है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का वो सपोर्ट देता है लास्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन सो लार्ज इंटेस्टाइन इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन लार्ज इंटेस्टाइन में ही मोस्टली वाटर एब्जॉर्ब होता है अनडाइजेस्टेबल फूड से देन क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर एसेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम अब एसेसरी ऑर्गन्स कौन से हैं हमने पिछले लेक्चर में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम की पढ़ी थी तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कौन से एसेसरी ऑर्गन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में सो so, सबसे पहले है ऑप्शन वन इज एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है रीनल यानी किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती है एड यानी एडजस्टेंट ठीक है देन है पेनक्रियाटिक आइलेट्स अब पेनक्रियाटिक आइलेट्स भी पेनक्रियास में प्रेजेंट होते हैं देन है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देन है डी सेलेवरी ग्लैंड अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का आप क्यों बोल सकते हैं कि ये एसेसरी ऑर्गन है लेकिन ये एसेसरी ऑर्गन नहीं है क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड ये प्रेजेंट ही गैस्ट्रिक में है तो ये एसेसरी नहीं हो सकती सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेलेवरिक ग्लैंड ठीक है सेलेवरिक ग्लैंड ही एसेसरी ऑर्गन हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में देन नंबर क्वेश्चन फोर इज वाट इज द रोल ऑफ गैस्ट्रिन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम अब गैस्ट्रिन हार्मोन का क्या रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में ए इस टू एस्टिमुलेट रिलीज ऑफ बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस ठीक है गैस्ट्रन क्या बाइल और पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करवाता है हरगेस्ट नहीं देन टू एस्टिमुलेट गेस्ट्रिक सिक्रेशन अब गेस्ट्रन है तो क्या एस्टिमुलेट करवाएगा गेस्ट्रिक की सिक्रेशन करवाएगा टू एक्टिवेट पेप्सिनोजन अब पेप्सिनोजन को कौन एक्टिवेट करवाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट करवाती है ओके सो द करेक्ट करेक्ट ऑप्शन इज टू स्टिमुलेट गैस्ट्रिक सिक्रेशन गैस्ट्रिन का ये काम होता है सो क्वेश्चन नंबर फाइव इज हाँ सो सिकरेटिन एंड कोलिसटोकाइनन आर सीक्रेटेड अब जो सिकरेटिन और कोलिसटोकाइनन ये दोनों हारमोनस हैं ये कहाँ पर सीक्रेट होते हैं नंबर वन इज़ पायलोरिक रीजन क्या वो पायलोरिक रीजन में होते हैं नहीं देन है ड्यूडिनम सी इज़ इसोफेगस एंड डी इज़ ई लिया सो द करेक्ट ऑप्शन इज ड्यूडिनम ठीक है जब स्टमक ख़त्म कहाँ पर होता है ड्यूडी नम पर होता है तो वहाँ पर पेनक्रियाज से और गा, गाल ब्लडर से जो भी सिक्रेशन है ना वो वहाँ से रिलीज होती है तो सिकरेटिन और कोलिसट्रोकाइाइनन भी ड्यूडी नम में ही रिलीज़ होती है सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ड्यूडिनम देन क्वेश्चन नंबर सिक्स इज विच थ्री सेक्शन डू द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट कंसस्टा अब आपने अगर एनाटॉमी अच्छे नमूने से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट्स होते हैं सो ऑप्शन नंबर वन इज़ ईलियम ड्यूडिनम सीकम अब यहाँ पर दो ऑप्शन तो सही हैं लेकिन सीकम uh, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है देन ऑप्शन नंबर बी इज़ एंट्रम जिजिनम और ड्यूडिनम अब यहाँ पर जूजिनम और ड्यूडिनम भी है लेकिन एंट्रम पता नहीं कहाँ से आ गया तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है देन नंबर सी है रेक्टम इलियम और ड्यूडिनम अब यहाँ पर भी दो ऑप्शन है लेकिन रेक्टम इट्स अ नॉट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सो द करेक्ट ऑप्शन इज इलियम ड्यूडिनम एंड जूजिनम ये तीनों पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ओके okay? देन क्वेश्चन नंबर सेवन इज वाट कन्वर्ट पेप्सिनोजिन टू पेप्सिन इन द स्टमक ठीक है पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होती है उसको कन्वर्ट पैप्सिन में कौन करवाता है स्टमक में सो द करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है देन क्वेश्चन नंबर एट इज़ वाट आर द फोर एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन अब वो कौन से फोर एसेसरी ऑर्गन्स हैं ग्लैंड्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर ऑर्गन्स की बात हो रही है कि वो कौन से एसेसरी फोर ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के सो so, ऑप्शन के ऊपर देखें नंबर वन इज़ ए इज़ माउथ स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंड टीथ क्या ये एसेसरी ऑर्गन है नहीं है देन नंबर बी इज़ सेलवरी ग्लैंड गाल ब्लडर लिवर पेनक्रियास एंड सी इज़ ईसोफेगस स्पीन पेनक्रियास एंड लेवर एंड डी इज अपेंडिक्स स्टमक स्प्लीन एंड मा आउटसो द करेक्ट ऑप्शन इज बी सिलेवरी ग्लैंड्स गाल ब्लेडर लेवर और पेनक्रियास ये फोर मेन असेसरी ऑर्गन्स हैं किसके डाइजेस्टिव सिस्टम के देन नंबर नाइन इज वेयर इज द गेस्ट्रो ईसोफेगल स्पिनर अब गेस्ट्रो ईसोफेगल स्पिनर कहाँ पर प्रजेंट होता है सो अब पहले आप क्वेश्चन को समझें गेस्ट्रो स्टमक की स्टमक की बात हो रही है और ईसोफेगल यानी ईसोफेगस की बात हो रही है तो इन दोनों के बीच में जो स्प्रिंक्टर है उसकी बात कर रहे हैं कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है सो ऑप्शन ए इज़ बिटवीन द स्टमक एंड ड्यूडिनम सो ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता क्योंकि गैस्ट्रो ईसोफेगल यानी स्टमक और ईसोफेगस इस के बीच में जो स्प्रिंक्टर प्रेजेंट है उसकी बात हो रही है ऑप्शन बी इज़ बिटवीन द स्टमक एंड सिक्कम अब सिक्कम कहाँ से आ गया भाई सिक्कम तो नीचे होता है ऑप्शन सी इज एट द एंट्रांस टू द स्टमक और ऑप्शन डी इज बिफोर द एक्सटर्नल एनल स्प्रिंक्टर अब एनल स्प्रिंक्टर भी आपको पता है वो लास्ट में आता है एनस में सो करेक्ट ऑप्शन इज एट द एंट्रांस ऑफ द स्टमक अब जहां से स्टमक शुरू होता है उस स्प्रिंक्टर को हम क्या बोलते हैं गेस्ट्रो ईसोफेगस स्परिंगटर सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी देन क्वेश्चन नंबर टेन है वॉट इज द फंक्शन ऑफ ईसोफेगस इन डाइजेशन अब डाइजेशन में ईसोफेगस का क्या क्या काम है तो बेसिकली यहाँ पर मैं एक आपको बहुत और बताती जाऊँ कि ईसोफेगस का कोई भी काम नहीं होता डाइजेशन में ना तो वो कोई भी प्रोटीन्स या फिर कोई भी इंजाइम्स वगैरह या फिर कोई भी किसी भी किस्म के जूसेस वगैरह सीक्रेट नहीं करता और ना ही वो मैकेनिकल या फिर केमिकल करवाता है डाइजेशन करवाता है इसका काम क्या है ये सिंपल एक पैसेज वे है इट ट्रांसफ़र फूड फ्राम द माउथ टू द स्टमक ओके सो ये बात आपने क्लियरली याद रखनी होगी सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ इट ट्रांसफर फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक यही सिंपल काम है ईसोफेगस का डाइजेशन में देन क्वेश्चन नंबर इलेवन इज वेयर इज बाइल जूस फॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी अब बाइल जूस कहाँ पर बनता है बॉडी के अंदर सो बाइल ऑप्शन है हमारे पास ए इज़ किडनी नहीं बन सकता किडनी में ठीक है बी इज़ लंग्स सी इज लेवर एंड डी इज़ सेलेवरी ग्लैंड अब किडनी भी नहीं है लंग्स भी नहीं है लेवर इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन सो लेवर में बाइल जूस बनता है और उसके बाद लिवर से वो ट्रांसपोर्ट होकर गाल ब्लेडर में वो स्टोर होता है और उसके बाद वो ड्यूडिनम में जाकर रिलीज होता है ओके सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी यानी लेवर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज विच पार्ट ऑफ़ द एलिमेंट्री केनाल प्रिपेयर फूड फॉर केमिकल डाइजेस्टन अब एलिमेंट्री केनाल यानी गेस्ट्रो इंटस्ट्रनल ट्रैक्ट में वो कौन सा पार्ट है जो जिसमें फूड की केमिकल डायजेस्शन होती है अब डायजेशन के भी टाइप होते हैं एक होता है मेकेनिकल डाइजेशन और दूसरी होती है केमिकल डाइजेसन मैकेनिकल यानी मूवमेंट के वजह से जो डायजेसन होती है उसको मैकेनिकल बोल बोलते हैं और केमिकल यानी जहाँ पे इंजाइम्स और जूसेस वगैरह मिलकर फूड को डाइजेस्ट करते हैं उसको हम केमिकल डाइजेशन बोलते हैं ओके सो द ऑप्शन आर द माउथ ईसोफेगस एंड स्टमक ठीक है ईसोफेगस में आपको यहाँ पर माउथ और ईसोफेगस तो हो सकता स्टमक uh, तो हो सकता था लेकिन बीच में यहाँ पर ईसोफेगस ने आकर आ काम खराब कर दिया सो so, ईसोफेगस किसी भी uh, किस्म की कोई डाइजेशन में हेल्प नहीं करता सो बी इज द माउथ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन अगेन नहीं नहीं है ये एंड सी इज़ द माउथ स्टमक एंड ड्यूडिनम डीज द टीथ स्टमक एंड पेन केयर सो द करेक्ट ऑप्शन इज माउथ स्टमक एंड ड्यूडिनम क्योंकि हमें पता है माउथ में भी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं सिलाईवा ठीक है सिलाईवा रिलीज होती है जिसमें अमाइलेस वगैरह प्रेजेंट होती हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन में हेल्प करती हैं स्टमक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है उसके अलावा आप रिलीज होती है जो कि क्या करती है प्रोटीन्स को ब्रेकडाउन करती है डें डूडिनम में तो आपको पता है रिच प्रोटीन्स रिच इन्जाइम्स और जूसेज वगैरह सब आ जाते हैं ड्यूडिनम में और वहां पर बहुत ज्यादा डाइजेशन होती है केमिकल फूड की करेक्ट ऑप्शन नंबर थर्टीन फंक्शन का क्या फंक्शन so, कहाँ गया ये कहाँ चला गया तो यहाँ पर पता नहीं मुझे भी क्या हो गया सो ऑप्शन ए इज़ एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट्स ऑफ फूड डाइजेशन क्या स्टमक में डाइजेशन uh, जो भी हुई है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है नहीं वहाँ पर अभी सही तरह से डाइजेशन ही नहीं हुई तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगी भाई ऑप्शन नंबर बी इज़ पार्टिसिपेट इन डेग्यूलेशन अब ये भी नहीं है ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज़ पार्टिसिपेट इन मैकेनिकल डाइजेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रिलीज कोलिसिस्टोकाइनन अब कोलिसटोकाइनन हमने पीछे ही पढ़ा कि वो कहाँ पर रिलीज होता है ड्यूडिनम में रिलीज़ होता है तो यहाँ पर स्टमक में तो ये रिलीज़ नहीं हो सकता सो द करेक्ट ऑप्शन इज पार्टिसिपेट इन मैकेनिकल डाइजेशन यानी ऑप्शन नंबर सी अब मैकेनिकल डाइजेशन होती है मोस्टली स्टमक में ठीक है जिसकी वजह से क्या होती है डाइजेशन uh, होती है फूड की सो द करेक्ट ऑप्शन ये है स्टमक का मेन पर्पस और मेन काम क्या है पार्टिसिपेट इन मैकेनिकल डाइजेशन सो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन सेलेवरी ग्लैंड अब अगर आपको पता है पता होगा कि कौन सी ह्यूमन सेलेवरी ग्लेंड्स होती हैं मोस्टली थ्री होती हैं पेरोटेड सब सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल या फिर सब मैग्जिलरी या फिर सब लिंगुअल हम इसको बोलते हैं ओके okay, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है डी इंफ्रा ऑर्बिटल अब और इंफ्रा ऑर्बिटल आई थिंक आइस में होता है तो दिस इज द रोंग ऑप्शन ओके सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी इंफ्रा ऑर्बिटल एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ म्यूकोजा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अब स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा का कौन सा फंक्शन नहीं है सो ए इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शस डिजीज बी is secretion ऑफ डाइजेस्टिव enzyme एंड सी is the absorption ऑफ इन प्रोडक्ट ऑफ digestion एंड डी is सेगमेंटेशन सो so the करेक्ट ऑप्शन is सेगमेंटेशन जो भी ऊपर तीन फंक्शन लिखे थे ये सारे काम होते हैं म्यूकोज़ा के ओके सो ऑप्शन कौन सा काम नहीं होता सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन वाला काम नहीं करता इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी देन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज अ फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू अब लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा फंक्शन होता है मोस्टली इट एब्ज़ॉर्ब द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ये तो करता ही है लेकिन किस तरह से ठीक है इसके भी एक प्रॉपर लाइन होनी चाहिए फिर ही आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ऑप्शन बी इज़ एब्जॉर्ब वाटर ऑप्शन सी इज़ पार्टिसिपेट इन मैकेनिकल डाइजेशन एंड ऑप्शन सी डी इज़ रिलीज इंटस्टाइनल गेस्टन अब यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन है वो नहीं सूट करते हैं इसको सो द करेक्ट ऑप्शन इज एबजॉर्ब वाटर मोस्टली जो वाटर एब्जॉर्बशन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही अगर होती है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्टमक अब स्टमक का कौन सा फंक्शन नहीं है सो ऑप्शन ए इज डाइजेशन ऑफ फैट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन मैकेनिकल डाइजेशन तो हमें पता है पेप्सिन की वजह से प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है और उसके अलावा स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है तो डाइजेशन क्यों किस नहीं होती मोस्टली फैट्स की डाइजेशन नहीं होती क्योंकि हमें पता है फैट्स ईजीली डाइजेस्ट नहीं होते उसके लिए बाइल रिलीज होता है बाइल क्या करता है उस फैट को कवर करता है और उसको अलग से उसकी डाइजेशन होती है और वो लेकटील्स में एब्जॉर्ब होता है इसीलिए फैट्स की डाइजेशन स्टमक में नहीं होती ओके सो द करेक्ट ऑप्शन इज देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है। मेजॉरिटी ऑफ फेट प्लेस इन अब अभी, अभी 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 हमने डिस्कस किया कि फेट की डाइजेशन कहां पर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि बाइल कहां पर रिलीज होता है मोस्टली ड्यूडिनम में ड्यूडिनम किसका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का तो ये लाजमी नहीं है कि ड्यूडिनम में ही बाइल रिलीज हुआ और वहाँ पर ही फेट की डाइजेशन नहीं हो गई ठीक है आप इसको जो करेक्ट सूटेबल ऑप्शन होगा वो क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फेट की डाइजेशन मेजोरिटी में होती है सो करेक्ट ऑप्शन इज बी देन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज़ वाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अब स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है ठीक है सो ए इज़ टेम्पोरली स्टोर्ड इंजेस्टेड फूड क्या ये स्टोर करता है नहीं करता क्योंकि स्टोर कौन करता करता है फूड को स्टमक करता है ऑप्शन बी इज़ एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑप्शन सी इज़ पार्टिसिपेट इन मैकेनिकल डाइजेशन ऑप्शन डी इज़ सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सो पार्टिसिट मैकेनिकल डाइजेशन भी स्टमक में होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्टमक में रिलीज होता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन अब मोस्टली जो भी फूड्स की और न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन होती है वो कहाँ पर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है ओके okay? दैन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ठीक है अगेन यहाँ पर एसेसरी ऑर्गन्स की बात आ रही है सो तो कौन सेसेसरी ऑर्गन्स आते हैं गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पहले ही हमने ऊपर भी डिस्कस किया सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट पेनक्रियास पेनक्रियास क्या है एक एसेसरी ऑर्गन है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप मेड एंड स्टोर्ड इन द लेवर सेल अब कौन सी वो चीज़ है जो कि लेवर में बनती है और वहाँ पर ही स्टोर होती है सो ऑप्शन ए इज़ गलेक्टोज ऑप्शन बी इज़ लैक्टोज ऑप्शन सी इज़ गकोजन एंड ऑप्शन डी इज़ एराबिनोज सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी ग्लैकोजन प्रेजेंट ग्लाइकोजन बनता है uh, किसमें लेवर के अंदर क्योंकि हमें पता है प्लांट में क्या बनती है जो भी आ, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बनता बनता है या फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो उसके आ, उसका क्या बनता है प्ला, प्लांट में इस, स्टार्च बनती है और ह्यूमन के अंदर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ग्लाइकोजन देन ट्वेंटी टू है फैटी एसिड आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द गड स्ट्रक्चर नोन इज अ फैटी एसिड एब्जॉर्ब कहाँ से होते हैं गट में और कौन से स्ट्रक्चर से होते हैं सो नॉर्मली ब्लड वेसल्स में फैटी एसिड की एब्जॉर्प्शन नहीं होती उसके लिए एक अलग सिस्टम होता है सो ऑप्शन ए इस ट्राइग्लाइसराइड अब ट्राइग्लाइसराइड क्या है ये एलिमेंट है ये फैट है टाइप ऑफ फैट है ठीक है कोई सोर्स नहीं है जहाँ से इसकी एब्जॉर्प्शन हो नंबर बीज साइनोसाइड नंबर सी स्कैपलरीज अब कैपलरीज से हमें मैंने पहले ही बताया कि ब्लड वेसल्स की जो कैपलरीज होती है वहाँ से फेट की एब्जॉर्ब्शन नहीं होती सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी लेक्टील्स लेक्टील्स लिम्फोटिक सिस्टम में इनको ड्रेन करके जाती है और उस वहाँ से वो ब्लड में उसको भेज देती है फेटी एसिड्स को ओके सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी देन ट्वेंटी थ्री है क्वेश्चन विच डाइजेस्टिव एंजाइम इन पेनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट प्रोटीन अब पेनक्रियाटिक जूस में वो कौन सी इंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है सो ऑप्शन ए इज़ ट्रिप्सिन बी इज लाइपे सीज पेप्सिन एंड डी इज़ अमाइलेज सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रिप्सिन अब आप बोल रहे होंगे कि पेप्सिन भी काम करती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का ठीक है तो पेप्सिन क्यों नहीं है क्योंकि पेप्सिन रिलीज होता है स्टमक में और ट्रिप्सिन रिलीज कहाँ पर होता है पेनक्रियाज रिलीज करती है ट्रिप्सिन को तो द करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास ट्रिप्सिन क्योंकि ट्रिप्सिन पेनक्रियाज से रिलीज होता है ओके सो दिस वाज द बेसिक इनाडोमी और फिजोलॉजिकल एम सी क्यूज़ और अब हम स्टार्ट करेंगे डिसऑर्डर नंबर वन विच इज़ स्टोमाटाइटस आई थिंक आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे ओके okay? सो so, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अला हाफ